नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील जहां भी हाल ही में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंतर्गत ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के तौर पर लुला डी सिल्वा को चुना गया है। जानेंगे इनसे जुड़ी और भी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में, साथ ही साथ बात करेंगे ब्राज़ील की। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो ब्राज़ील है, यहाँ पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट किया गया और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दशकों पुरानी से चली आ रही दक्षिणपंथी के नेता जायर बोलसोनारो की सरकार फाइनली इस इलेक्शन में हार जाती है। और इस इनके हारने के साथ ही जो ब्राज़ील के वामपंथी नेता हैं लुला डी सिल्वा, ये इस इलेक्शन में जीत जाते हैं, जिसके बाद लुला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिए जाते हैं। जो लुला डी सिल्वा हैं, इन्हें इस वर्ष जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आयोजित किया गया है अभी हाल ही में, इसके अंतर्गत इन्हें तकरीबन 51% मत मिले हैं, जबकि जायर बोलसोनारो को इसके अंतर्गत कुल 49% वोट मिला है। इसके अलावा जो जायर बोलसोनारो हैं, इनकी हार का मुख्य कारण बताया जाता है COVID-19 के समय हुई भीषण आपदा, जिसके अंतर्गत कई सारी मौतें दर्ज की गई थी ब्राज़ील में। तो ये मेनली बताया जाता है कि उस समय जो बोलसोनारो की सरकार थी, उसने ढंग से काम नहीं किया था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा मौतें दर्ज की गई थी। और इसी वजह से माना जाता है कि जो जायर बोलसोनारो की सरकार थी, इसने जनता के बीच अपना समर्थन खो दिया और फाइनली इस इलेक्शन में उसे हार का सामना करना पड़ा। और इस बार का जो इलेक्शन हुआ था ब्राज़ील के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जीता किसने है, तो ये जीता है लुला डी सिल्वा ने। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति चुने गए। इसके अलावा बात ब्राज़ील की करें तो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है। इसकी जो कैपिटल है यह है ब्राज़ीलिया और यहाँ की करेंसी है रियाल। इसके साथ ही साथ जो ब्राज़ील है, यह कुछ कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील ये रहा मैप पर ब्राज़ील, ठीक है। और ब्राज़ील की जो नेबरिंग कंट्रीज है, ब्राज़ील एक्चुअली में कुल 9 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 9 देश कौन कौन से हैं, इनमें एक है फ्रेंच गुआना, एक है सूरीनाम, एक है गुआना, एक है वेनेजुएला, कोलंबिया, इसके अलावा पेरू, बोलीविया, उरुग्वे और पराग्वे। ये टोटल 9 कंट्रीज है जिनके साथ ब्राज़ील अपनी सीमा साझा करता है। इसका बाकी का जो ये वाला इलाका है, ये एक्चुअली में अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है, ये असल में साउथ अमेरिका का एक देश है और साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है, यह है अमेजन नदी। और जो अमेजन नदी है, यह एक्चुअली में इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, यह निकलता है पेरू से। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इस पॉइंट पर आपको साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। और इसी पॉइंट से एक्चुअली में पेरू वाले रीजन से ही जो अमेजन रिवर है, इसका ओरिजिन होता है और ये फाइनली जाकर के गिरती है कहाँ, अटलांटिक ओशन में। साथ ही साथ जो ब्राज़ील है, इसे कई सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिनमें एक है पेंडोरामा, एक है लैंड ऑफ पाम्स, लैंड ऑफ पैरट्स, लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। साथ ही साथ ब्राज़ील आबादी के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, आफ्टर चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ जो ब्राज़ील है, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा वर्टिकल कब्रिस्तान भी है, जो कि ब्राज़ील के सैंटोस में स्थित है। ब्राज़ील की कुछ और प्रमुख नदियों की बात करें, यानी अमेजन के अलावा, तो यहाँ और कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनमें पराना रिवर है, एक है पारनीवा रिवर, जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। साथ ही साथ ब्राज़ील यह दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, सवाल आज का, अभी हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो वैसे मैं आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।